एंड सब्जीज की श्रृंखला में अब हम देखते हैं सब्जी पसंदा। इसके लिए हमें चाहिए सब्जी जिसमें गाजर है, मटर है, फ्रेंच बीन्स है, आलू है। इसे सारे स्टीम करके रखना है। उसके बाद में बेसन, कसूरी मेथी, गरम मसाला, कटी हुई बारीक धनिया, दही और ये वेजिटेबल स्टॉक। उसके बाद हमें पेस्ट के लिए चाहिए बारीक कटी हुई मिर्ची, अदरक, लहसुन, थोड़ी सी कलमी, लौंग, दूध, लंबा कटा हुआ प्याज और गोभी के बारीक कटे हुए टुकड़े, बाद में जीरा और स्वादानुसार नमक। सबसे पहले हम इसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के लिए प्याज थोड़ा सौते करें। प्याज भूनने के बाद गोभी के टुकड़े, दूध, अदरक लहसुन के टुकड़े, थोड़ी हरी मिर्ची, थोड़ी सी लौंग, इसे एक 2 से 3 मिनट सोते करना है। इसका पानी सूख गया है, ये अच्छी तरह से पक गया है, अब इसे हम पीसेंगे। ये पेस्ट हमारी तैयार है। इसमें है कॉलीफ्लावर, प्याज, हरी मिर्च, सबसे पहले जीरा। जीरा हमारा भुनेगा तब तक ये बेसन, दही, उसका हम पेस्ट बना लेंगे, थोड़ा सा दूध। ये मेरी पेस्ट बन गई, जीरा भी भून लिया। अब इसमें कसूरी मेथी, थोड़ी सी लौंग, ये जो पेस्ट हमने बनाई थी पेस्ट इसमें डालेंगे। पेस्ट के साथ साथ वेजिटेबल स्टॉक, जो बेसन और दही का पेस्ट था वो हम डालेंगे। बाद में सारे बॉइल्ड वेजिटेबल्स, गरम मसाला और स्वादानुसार नमक। इसे 2 मिनट भाप आने तक पकाएंगे, बाद में सर्व करेंगे। ये सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है बिना तेल की। देखिए कितनी स्वादिष्ट है। इसके साथ मैं ब्राउन ब्रेड सर्व करूंगा। ये देखिए पापड़, थोड़ी सलाद। सब्जी कैसे बनी देखिए एक रिकॉर्ड। सब्जी पसंदा बनाने के लिए कटे हुए लंबे प्याज, फ्लावर, थोड़ी सी लौंग, हरी मिर्च के टुकड़े, अदरक लहसुन के टुकड़े, सारा डाल के बिना तेल के भूनना है। दूध डालेंगे और इस मिक्सचर का हम पेस्ट बनाएंगे। दूसरे पैन में हम लेंगे जीरा। जीरा भूनने के बाद कसूरी मेथी, थोड़ा खड़ा मसाला और जो हमने पेस्ट बनाई थी वो, उसके साथ साथ बेसन, दही और दूध, इसका पेस्ट भी इसमें डालेंगे और साथ साथ डालेंगे वेजिटेबल स्टॉक। इस मिश्रण को बॉईल होने के बाद स्वादानुसार नमक और हमारी बॉईल की हुई सब्जी डाल के हरी धनिया के साथ परोसेंगे।